हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड क्लास बीए ऑनर्स स्कूल इन इकोनॉमिक्स सेमेस्टर वन द टॉपिक मल्टीप्लायर पढ़ांगे। मल्टीप्लायर जा पंजाबी दे विच इस नूं गुण कहा जाता है। मल्टीप्लायर हैगा जिहड़ा ये आपां नूं दसदा है कि जदों इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज आउंदा है तां इनकम दे विच किन्ना चेंज आउंदा है। जां एग्रीगेट डिमांड जदों चेंज हुंदी है तो उस दे नाल इनकम ते आउटपुट दे उत्ते किस तरह का इफेक्ट पैंदा है, किन्ना इफेक्ट पैंदा है, आमदन ते आउटपुट दे विच प्रोडक्शन ते इनकम दे विच किन्ना वाधा हुंदा है, इस बारे दस्या जांदा है। मल्टीप्लायर दसदा है कि जदों इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज आउंदा है तो उदों इनकम दे विच किन्ना चेंज आउंदा है। इस नूं के नाल लिखा जांदा है, के मीन्स मल्टीप्लायर, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट चेंज होने इनकम दे विच जिहड़ा चेंज आउंदा है किन्ना चेंज आउंदा है, इस नूं मल्टीप्लायर कहा जाता है। हाँ जी, जे मल्टीप्लायर की वैल्यू दो है, जे मल्टीप्लायर की वैल्यू दो है तो इन्वेस्टमेंट जिन्ना किया जाता है इनकम उस दे नालों दुगनी वध जाती है। तो आप जे इनकम का चेंज देखना हो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए नूं इहदे नाल गुणा करांगे के इंटू डेल्टा आई। इस तरह आप इनकम के चेंज में पता कर सकते हैं। मान लो मल्टीप्लायर की वैल्यू है दो, मल्टीप्लायर की वैल्यू है दो, ए की वैल्यू है दो, तो इन्वेस्टमेंट है जरा चेंज किया जा रहा है दस के बराबर। मल्टीप्लायर दो है जो इन्वेस्टमेंट के चेंज है जरा दस करोड़ का किया जाता है तो उदो इनकम कि चेंज होगा। जो मल्टीप्लायर की वैल्यू दो है, इन्वेस्टमेंट दस है, इन्वेस्टमेंट के चेंज दस किया जा रहा है तो इनकम है जी भी करोड़ हो जाएगी, आमदन के दुगना वाधा होगा। मल्टीप्लायर की जिनी वैल्यू होंगी है इनकम के उन्ना ही चेंज आता है। जे मल्टीप्लायर की वैल्यू दो है तो आमदन के दुगना वाधा होगा, जे मल्टीप्लायर की वैल्यू एक है तो आमदन के एक गुणा वाधा होगा, जे मल्टीप्लायर की वैल्यू चार है तो आमदन के चार गुणा वाधा होगा। मान लो मल्टीप्लायर की वैल्यू चार है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है दस करोड़ का, तो इनकम बढ़ेगी चाली करोड़ के बराबर, इनकम के चार गुणा वाधा होगा। जब इन्वेस्टमेंट दस के बराबर किया जा रहा है, मल्टीप्लायर चार है तो इनकम चार गुणा वधेगी। जब इन्वेस्टमेंट दस करोड़ है, मल्टीप्लायर की वैल्यू दो है, उदो इनकम दो गुणा वधेगी, भी करोड़ हो जूगी। इस तरह मल्टीप्लायर का मतलब है इन्वेस्टमेंट चेंज होने नाल इनकम दे विच किन्ना चेंज आउंदा है, इस नूं मल्टीप्लायर कहा जाता है। इस नूं आपां हुण डायग्राम नाल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, डायग्राम है जिहड़े केन्स दे आपां एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई वाले डायग्राम है जिहड़े उही यूज करांगे, ठीक है। ए है एग्रीगेट सप्लाई करो 45 डिग्री का, इनकम करव भी इसमें कहा जाता है नैशनल इनकम करव। दूसरा करव है एग्रीगेट डिमांड करव, एग्रीगेट डिमांड करव जिहड़ा वाई एक्सिस तो स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में पहले बहुत गल कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड के सी प्लस आई होता है, इन्हें ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, इस करके एक करव है जिहड़ा एग्रीगेट डिमांड करव इस वाई एक्सिस तो स्टार्ट हो रहा। एक्स एक्सिस के उत्ते लिया जाता है इनकम, वाई एक्सिस से कंजम्पशन सेविंग ते इन्वेस्टमेंट नूं शो किया जा रहा। ई पॉइंट है जिहड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिथे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, इहदे च केंज का इनकम का इक्विलिब्रियम है जिहड़ा उसनूं भी आपां शो कर रहे हैं। जिथे एक दूजे के बराबर होंगे है उसे इनकम का लेवल है जिहड़ा वाई जीरो है। जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट को चेंज किया जाता है तो उसके साथ एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाती है। जो इन्वेस्टमेंट के वाधा किया जाता है उदों एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड के वधन नाल एग्रीगेट डिमांड करव उपर नूं शिफ्ट होकर ए डी वन हो गया। नवा एग्रीगेट डिमांड करव ए डी वन है, पहला वाले आप ए डी जीरो कह सकते हैं। ये चुन की है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट के इन्ना वाधा हो गया,
इनवैसटमेंट के इन्ना वाधा होने एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो उपर शिफ्ट होकर 81 हो गया। शॉर्ट पीरियड के कंजम्पशन कोई वाधा नहीं होंगे, इस करके इनवैसटमेंट के ही वाधा किया जाता है। जो इनवैसटमेंट के वाधा किया जाता है तो वह एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर 81 हो गया। नवा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जोड़ा वो ई वन हो गया, पहला वाला इक्विलिब्रियम ई जीरो है, इक्विलिब्रियम ई जीरो तो ई वन से हो गया। इन्नी एग्रीगेट डिमांड है जी वधी है, इन्ना इनवैसटमेंट वध्या, हम इस वाधे एग्रीगेट डिमांड के वाधे एग्रीगेट डिमांड का वाधा होया इनवैसटमेंट के वाधे, इस इनवैसटमेंट के वधन इनकम है जी वाई जीरो तो वाई वन होगी, इनकम के इन्ना वाधा हो गया। ये जरा इनकम के वाधा होया ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कारण होया, मल्टीप्लायर के प्रभाव कारण यह वाधा होया, इस ही मल्टीप्लायर कहा जाता है कि इनवैसटमेंट चेंज होने के नाल इनकम के कितना चेंज आया, कितना वाधा होया जां कितनी कमी हुई है। जे इनवैसटमेंट नूं घटाया जाता है तो इनकम भी घट जाती है, इनकम उन्ने गुणा घट जाती है जिन्हें जिनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। जदों इनवैसटमेंट नूं वधाया जाता है तो इनकम उन्नी वध जाती है जिनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। तो यह सीगा डायग्राम जिसे आप शुरू करता इनवैसटमेंट को चेंज कर, इनवैसटमेंट के चेंज होने इनकम के कितना चेंज आया, इस मल्टीप्लायर कहा जाता है। इनवैसटमेंट चेंज होने इनकम के कितना चेंज आया, इस मल्टीप्लायर कहा जाता है। हुण आपां देखते हैं कि मल्टीप्लायर से एम पी सी के किहो जिहा रिलेशन पाया जाता है। मल्टीप्लायर से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है जिहड़े ओह किस तरह नाल आपस दे विच रिलेटेड है। एम पी सी ते मल्टीप्लायर एक दूजे नाल डायरैक्टली रिलेटेड है। मल्टीप्लायर ते एम पी सी दा एक दूजे नाल डायरैक्ट रिलेशन है। जदों एम पी सी ज़्यादा होंदी है तो उदों मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होंदी है, जदों एम पी सी घट होंदी है तो उदों मल्टीप्लायर की वैल्यू भी घट होंदी है। पहला आप एम पी सी का फार्मूला लिखते हैं। एम पी सी इजिकल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इनकम चेंज होने कंजम्पशन के चेंज न एम पी सी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। यदा मल्टीप्लायर नाल डायरैक्ट रिलेशन है। जदों एम पी सी ज़्यादा होंगी है, एम पी सी जब ज़्यादा होंगी है तो उदों मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होंगे। एम पी सी की वैल्यू जो घट होती है तो उदो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी घट जाती है। ये दोनों आपस के डायरैक्ट रूप न रिलेटड है, दोनों के डायरैक्ट रिलेशन पाया जाता है। हुण आपां एक टेबल के नाल इन्हों के रिलेशन दिखाने शो करते हैं। एम पी सी के मल्टीप्लायर किहोजा रिलेशन पाया जाता है। एक कॉलम बनावे एम पी सी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, दूसरा कॉलम है मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर है जोड़ा उसनों पता करने वास्ते ये फार्मूला यूज किया जाता है, एक बटा एक माइनस एम पी सी मल्टीप्लायर के एम पी मल्टीप्लायर में एम पी सी के नाल भी पता किया जाता है। ये इसका फार्मूला है, एक बटा एक माइनस एम पी सी के नाल आप मल्टीप्लायर की वैल्यू पता कर सकते हैं। मान लो जदों एम पी सी की वैल्यू जीरो है उदो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, तो एक बटा एक माइनस एम पी सी की थान पर लिखा जीरो जीरो हो गया, तो यह है एक बटा एक तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी है एक, ठीक है। जदों एम पी सी जीरो है तो उदो मल्टीप्लायर की वैल्यू एक होंगी है, उदो आमदन के इनवैसटमेंट के जिन्ना चेंज किया जाता है इनकम के उन्ना ही चेंज होंगे, उस तो ज़्यादा या घट चेंज नहीं होंगे। जदों एम पी सी की वैल्यू एक बटा तीन है, एक बटा दो ही कर लें एक बटा तीन है, तो उदो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी एक बटा एक माइनस एक बटा तीन। तो इसनों सॉल्व करके देखो कितना होगा, तो उदो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जूगी एक पॉइंट पांच। एम पी सी की वैल्यू बढ़ गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ गई। जदों एम पी सी है एक बटा दो, जदों एम पी सी एक बटा दो होंगी है तो मल्टीप्लायर है एक बटा एक माइनस एक बटा दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जूगा मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जूगी दो।
एम पी सी की वैल्यू बढ़ गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ गई, मल्टीप्लायर दो हो गया। हुण जदों एम पी सी की वैल्यू होर बढ़ जाती है, तीन बटा चार हो जाती है, तो उदों मल्टीप्लायर की वैल्यू है एक बटा एक माइनस तीन बटा चार, तो उदों मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जूगी चार के बराबर। एम पी सी जिवें जिवें बढ़ रही है उवें उवें मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ रही है। हाँ जी, जिवें जिवें एम पी सी की वैल्यू बढ़ रही है उवें उवें मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। एम पी सी है जिहड़ी ये जीरो तो ज़्यादा तो एक तो घट होंदी है, हमेशा ही एम पी सी की वैल्यू जीरो तो ज़्यादा तो एक तो घट होंदी है, क्योंकि लोग एम पी सी की वैल्यू जीरो तो ज़्यादा का मतलब यह है कि जदों ही लोगों की आमदन चेंज होंदी है तो कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करते आमदन के विचों। एम पी सी की वैल्यू एक तो घट इस करके होंदी है क्योंकि जदों लोगों की आमदन इनक्रीज होंदी है, आमदन के विच वाधा होंदा है, तो उदों सारी की सारी वधी हुई आमदन कंजम्पशन के उत्ते नहीं खर्च करते, उदों वो सेविंग भी करते हैं। इसका मतलब यह होंदा है कि एम पी सी की वैल्यू एक तो घट होंदी है, एक तो घट का मतलब है लोग अपनी सारी आमदन सारी वधी हुई आमदन कंजम्पशन के उत्ते नहीं खर्च करते। जीरो तो ज़्यादा एम पी सी का मतलब है कि लोग जदों ही आमदन वधदी है तो कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करते हैं। हाँ जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।